हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल एडसेंस का जो पिन होता है उसको पिन को आप वेरीफाई कैसे करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो मतलब मंगाना पड़ता है उसमें लाइन नंबर 1 में अपना नाम और एड्रेस देना पड़ता है और लाइन नंबर 2 में अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, जिससे आपको कनेक्ट करके आपके घर तक पहुंचता है। तो आपको ये देने के बाद आपका जो पिन आता है वो वेरीफाई कैसे करना पड़ता है। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर बताता हूँ आपको कैसे वेरीफाई करना पड़ता है। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। उससे पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दे। चलिए बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ओपन करना है क्रोम ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है गूगल एडसेंस लॉगिन। देखिए, जैसे मैंने ट्रांसफ़र अभी ये टाइप कर रहा है उसी तरह आपको भी टाइप करना है गूगल एडसेंस लॉगिन, सर्च कर देना है इस पर लिख करके। उसके बाद आपका यहाँ पे गूगल एडसेंस पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे और आपका गूगल एडसेंस खुल जाएगा। तो फाइनली मेरा यहाँ पे गूगल एडसेंस जो कि आ चुका है, तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो जो पिन जो अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है वो एक्शन बटन आ जाता है $10 के बाद, लेकिन मेरा $6 हुआ था उसी समय आ गया था। तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, तो इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उस डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे वेरीफाई का, देखिए ये जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है उस वेरीफाई वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पे योर पिन लिख करके आएगा, जो कि यहाँ पे अपना जो पिन जो है 6 डिजिट का उसको आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको डालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको एक वार्निंग भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप 3 बार से ज़्यादा आप इसमें अगर गलती कर देते हैं तो आप 3 बार से ज़्यादा इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है योर हैश एंड अटेंटमेंट रिमेनिंग, तो यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे 3 बार आप ध्यान से डालें, गलती ना करें। तो यहाँ पे आप पिन अपने देख लेता हो, जैसे कि देखिए ये रहा मेरा पिन, ये पिन है 8677 41। तो इस पिन को मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस में आऊँगा और यहाँ पे डालना है। तो कितना था फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, 8677 41, और यहाँ पे आप करके योर पिन वाले पे और यहाँ पे डाल देना 8677 41। तो जो भी आपका पिन आया होगा वो इस तरह डालना है। तो फिर से एक बार मिलाते हैं 8677 81, इस तरह हो गया 867741, इस तरह हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इस सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। ये जो दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, इस सबमिट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक करने के, देखिए यहाँ पर मेरा जो कि वेरीफाइड लिख करके यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, देखिए वो हट गया। तो इस तरह आपका यहाँ पे लिख देगा और यहाँ पे आपका जो कि चैनल वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना चाहते हैं बैंक अकाउंट ऐड करना, तो बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आप ये पहले भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते थे, आप अभी भी ऐड कर सकते। तो कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर बताता हूँ, उस 3 डॉट वाले पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ 3 डॉट वाले पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पेमेंट का ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए इस तरह आ जाएगा आपके सामने, इस तरह आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड पे, इस जो ये ऑप्शन दिख रहा है ऐड पेमेंट मेथड, इस वाला पे क्लिक करना है। जैसे आप उस वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि इस तरह फॉर्म जैसा। तो इसमें आपको डालना है, तो सबसे फर्स्ट वाला पहला जो ऑप्शन है ये बेनिफिकेशियरी आईडी, तो इसको छोड़ देना है, बेनिफिकेशियरी आईडी को छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे वाले में आपको दिख रहा होगा नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो बैंक का आपका नया नेम डालना है, जो कि कौन सा बैंक का अकाउंट है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ रहा है बैंक नेम, आपको बैंक का नाम डालना है। बैंक का नाम डालने के बाद यहाँ पे जो बैंक में आपका नाम है, बैंक का नाम वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे IDFC कोड डालना है, जो कि यहाँ देखिए बैंक का नाम डालने के बाद यहाँ पे IDFC कोड नीचे में यहाँ पे डालना है, देखिए IDFC कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में स्विफ्ट कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि ये स्विफ्ट कोड आपको यहाँ
बैंक से ब्रांच से लेना पड़ेगा, ब्रांच से सभी बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, इसलिए आपको सबसे पहले आप पता कर लेगी कौन से बैंक में आपको ब्रांच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसलिए आप पहले स्विफ्ट कोड पता कर ले, उसके बाद आप इसमें बैंक अकाउंट ऐड करना चालू करते। स्विफ्ट कोड आपको पता करना पड़ेगा, नहीं इस पर मैं वीडियो नहीं बनाया, अगर नहीं पता है तो मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगा स्विफ्ट कोड कैसे पता किया जाता है। आप नेट पर भी गूगल पर सर्च करके अपना स्विफ्ट कोड बैंक का पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में देखिए आपको अकाउंट नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट है अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर आपको नीचे में ऑप्शन जो कि आ रहा है रीटाइप अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे दोबारा वही अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल देना है। दोबारा डालने के बाद फाइनली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ये कैंसिल और सेव, तो इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, तो जैसे ही आपके अकाउंट में $100 होता है, $100 होने के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा जितना $100 का, जिसके अनुसार $1 का 73 रुपये 80 रुपये इस तरह जितना करके दाम रहता है उसका घटता बढ़ता रहता है, रेट बढ़ते रहता है घटते रहता है, उसी अनुसार से आपका डॉलर जोड़कर $100 जब पूरेगा तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। यूट्यूब का जितने भी पेमेंट होते हैं इस एडसेंस में जुड़ करके चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कि $17 हो गया, जैसे ही $100 होगा मेरे अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। इस तरह आप अपना भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।